क्लास 10 और हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हमने डिटेल से पढ़ा था। जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर मिस किया है तो वो हमारे चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से वो उसको देख सकता है। तो आज हम ब्रीदिंग से रिलेटेड चंद एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अक्सर हमसे पूछा जाता है वो ये है कि व्हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब हम कोई काम करते हैं या कोई वर्जिश या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमने देखा है कि उसके दौरान हमारी जो वेंटिलेशन रेट है, सांस लेने की जो रफ्तार है, वो अक्सर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये बिल्कुल ब्रीदिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाय रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, के वर्जिश के दौरान, काम के दौरान सांस लेने की जो रफ्तार है वो क्यों ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए हम, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्क के लिए, काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम रेस्ट पे होते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है जी, कम होती है, ज़्यादा हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या कोई काम करते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी की जो एनर्जी की डिमांड होती है, हमारे सेल जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं तो सेल की एनर्जी की जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, और मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो होती है वो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हासिल होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जी रिस्पायरेशन। अगर आप रिस्पायरेशन के रिएक्टेंट्स को जरा देखो, उसमें ग्लूकोज जो है ये एक रिएक्टेंट है और इसके साथ ऑक्सीजन जरूरी होती है ग्लूकोज की तोड़फोड़ के लिए। तो अब ये इसलिए होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो सेल होते हैं, जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, वो ज़्यादा वर्क करते हैं और उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा एनर्जी है। और हमें पता है कि एनर्जी जो है ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन के दौरान ही रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ, ये मैं आपके सामने पूरा इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख लिया है। जो रिएक्टेंट्स यूज होते हैं वो है ग्लूकोज, जो कि हम खाते हैं खुराक में, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन होती है, इसकी ब्रेक डाउन जो होती है, उसे ग्लूकोज हासिल होता है। और ग्लूकोज ब्लड के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज करता है और ब्लड उसको हर एक सेल तक लेके जाता है। सेकंड जो चीज़ है वो जी ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन का जो सोर्स है मैंने आपको बताया था गैसेस एक्सचेंज के दौरान वो एयर है। हवा के अंदर ऑक्सीजन तकरीबन 21% ये क्या करती है, कंपोजिट ये बनाती है एयर को, या एयर की जो कंपोजिशन है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। तो अब क्यों एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होती है, उसलिए ज़्यादा होती है कि जब हम वर्क करते हैं या हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं उनकी वर्क की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा वर्क के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पायरेशन की जो रफ्तार है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ज़्यादा रिस्पायरेशन के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो दैट इज़ वाई, यही वजह है कि हमारी जो इनहेलेशन की जो रफ्तार होती है, इनहेलेशन कहते हैं एयर का इनटेक करना, ठीक है, हवा को अंदर लेके जाना, फेफड़ों तक लेके जाना, ये क्या कहलाता है, इनहेलेशन। तो
जब हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो रिस्पायरेशन की रफ्तार ज़्यादा होती है, रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जो हमारे पास जो इनहेलेशन की रफ्तार है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब रिस्पायरेशन की रफ्तार ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट यूज इनसाइड द बॉडी एंड इट मस्ट बी रिमूव आउटसाइड द बॉडी। ये वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, सेल के अंदर बनता है ग्लूकोज की तोड़ फोड़ से, तो ये जो है ये जिस्म के अंदर ज़रूरत इस मतलब ये यूज़ नहीं होता और इससे आपके जिस्म के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सोल्युबल हो जाती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ये कार्बोनिक एसिड वगैरह बना देती है जिससे ब्लड की पीएच जो है वो डिस्टर्ब होती है, एसिडिट ब्लड को एसिडिफाई करती है, तो उसको लाजमी तौर पर हमारी जो बॉडी है उससे बाहर निकालना है उसके लिए जो हमारे पास एक्सहेलेशन है, आपको मैंने बताया था कि एक्सहेलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम हवा को बॉडी से बाहर क्या करते हैं जी, लेट आउट करते हैं। तो यूं हम कह सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि रिस्पायरेशन की रफ्तार हमें बढ़ानी होती है, ज़्यादा ग्लूकोज टूटे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो और मसल जो स्केलेटल मसल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, ताकि हम क्या करें उस एक्सरसाइज की या उस वर्क की एनर्जी डिमांड जो है उसको फुलफिल कर सकें। तो इसके लिए ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है, तो दैट इज़ वाई कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा रेस्पिरेशन के लिए, ज़्यादा ग्लूकोज की तोड़ फोड़ के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हम तेज़ी के साथ इनहेल करना शुरू कर देते हैं, और जब रेस्पिरेशन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मैग्नीट्यूड है, जो मिकदार है, अमाउंट है जो इस दौरान बनेगी, ज़्यादा जितने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटेंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो यूँ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मिकदार में एक्सहेल करने के लिए, जिस्म से बाहर निकालने के लिए जो हमारी एक्सहेलेशन की रफ्तार होती है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। और हमने पढ़ा था द रेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो यूँ हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान या काम के दौरान हमारी जो सांस लेने की रफ्तार होती है वो क्या हो जाती है जी, ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू ब्रीथ इन द फ्रेश एयर, ताज़ा हवा के अंदर सांस लेना क्यों ज़रूरी है, वाई इसी से ब्रीदिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाई इट इज नेसेसरी टू ब्रीथ इन दी फ्रेश एयर। फ्रेश एयर तो सबसे पहले व्हाट इज फ्रेश एयर, फ्रेश एयर जो है ये वो एयर होती है विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है विच इज मोस्टली जो कि ज़्यादातर क्या होती है जी, फ्री ऑफ प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स हर उस चीज़ को कहते हैं जो पोल्यूशन कॉज करती है, तो जो एयर प्लूटेंट्स होते हैं जैसा कि डिफरेंट गैसेस के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, स्मोक के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स और जितने भी दूसरे एलर्जेंस होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी एयर पैसेज वे के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उससे जो एयर फ्री होगी वो क्या कराएगी, फ्रेश एयर कराएगी। तो फ्रेश एयर के अंदर सांस लेना क्यों ज़रूरी है, तो इसका जवाब अगर आप देखो वो ये है कि फ्रेश एयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होती है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए ये क्या होती है जी, ज़रूरी होती है। और दूसरा इसके अंदर ये क्या होती है जी, फ्री ऑफ प्लूटेंट्स होती है, प्लूटेंट्स होती है, ठीक है, और ये फ्री ऑफ प्लूटेंट्स होने की वजह से ये जो होती है ये आपके
रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होती है। अब वेंटिलेशन जो है, ये हमारे जो रूम्स होते हैं, रूम्स में आपने देखा होगा एक लफ्ज़ यूज होता है वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर का लफ्ज़ भी वेंटिलेशन से निकला है। और इसमें वेंटिलेटर में होता क्या है कि प्रॉपर जो हमारा रूम होता है उसके जो विंड उसके अंदर जब एयर एंटर होती है विंडो के ज़रिए, इसके अलावा विंडोज़ या डोर के ज़रिए क्या होती है जी, फ्रेश एयर एंटर होती है, ठीक है। जब ये रूम में आती है तो ये हीट अप हो जाती है, हीट अप, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, रेस्पिरेशन होगी। जब आदमी सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की या डस्ट इसके अंदर ज़्यादा आ जाते हैं, या इसी तरह बाकी जो प्लूटेंट्स होते हैं रूम के अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे कन्वेक्शन ऑफ हीट होती है एयर के अंदर, क्या होता है जी, कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट कैसे होती है, ये हीट ट्रांसफर की एक किस्म है जिसमें गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल में, ठीक है, जब ये गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल जब हीट होते हैं, गर्म होते हैं, तो वो क्या होते हैं जी, लाइटर होकर उनकी जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इनमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज होते हैं लिक्विड के अंदर या एयर के अंदर, बहुत बड़े लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं। तो जब ये हीट होते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इनकी जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये लाइटर होकर क्या होते हैं जी, ऊपर को आते हैं, और ये जो स्ट्रेट एयर होती है, स्ट्रेट एयर जो होती है ये वेंटिलेटर से क्या करती है जी, बाहर को लेट आउट हो जाती है। तो इसलिए हमारे जो रूम हैं उनको प्रॉपरली उनके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है कि वेंटिलेटर होने चाहिए, जिनसे जो जब हमें पता है कि जब हवा कमरे में दाखिल होती है तो कमरे का जो रूम टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पे हवा क्या होती है जी, हीट अप होती है, और इससे ये जो एयर होती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। स्टेयर एयर जो है ये ऑपोजिट है फ्रेश एयर का, इसमें ऑपोजिट वो चीज़ें होती हैं, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इसके अंदर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो इस हवा को लाजमी तौर पे हमारे रूम से बाहर निकलना चाहिए। अगर ये हमारे रूम के अंदर ज़्यादा देर तक रहेगी तो उसे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारा जो निज़ाम तनफ़स है, उसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए अब ये जो वेंटिलेटर होते हैं रूम्स के अंदर, इनका भी यही फ़ायदा होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं, एयर डोर विंडो के ज़रिए एंटर होती है, फ्रेश एयर से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जब रेस्पिरेशन के दौरान, गैसीय एक्सचेंज के दौरान जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल, दूसरे एलर्जेंस, ठीक है, माइक्रोब्स या इस तरह के जितने भी मतलब हार्मफुल जो पार्टिकल्स हैं जिनको ये प्लूटेंट्स कहते हैं, वो भी ज़्यादा अकुमुलेट हो जाते हैं। तो कन्वेक्शन ऑफ हीट होती है, हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो हीट होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी जो मूवमेंट होती है वो रैपिड हो जाती है, और ऐसी जो हीटेड एयर होती है वो क्या होती है जी, वो ऊपर उठती है और वेंटिलेटर से क्या हो जाती है, बाहर खारिज हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखने के लिए हमारी रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी, यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड या गैसेस एक्सचेंज की जो अफादियत है उसको बरकरार रखने के लिए हमें फ्रेश एयर के अंदर क्या करना है, इन्हेल करना है।